नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन रिफॉर्मर्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर डीडीयू मतलब गोरखपुर विश्वविद्यालय का बीएससी एग्रीकल्चर के 2020 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको डिस्कस करेंगे, उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। दोस्तों उस क्रम में ये वीडियो का पहला पार्ट होगा जहाँ पर हम कुछ कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। दोस्त वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन करिए क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलेंगे पेपर संबंधी और आपको कुछ पीडीएफ्स भी इम्पोर्टेंट प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपका एंट्रेंस एग्जाम आसानी से क्लियर हो सके। तो दोस्तों चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस मैं आपको इस आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसमें संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि इसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं, हर प्रश्न 2-2 अंक का होता है और आपको 2 घंटे समय आवंटित किए जाते हैं इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज कुछ प्रश्नों को देखते हैं, उनके सॉल्यूशन को देखते हैं और डिस्कस करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है दोस्तों कि पहला प्रश्न आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि आम के गुच्छा रोग का एक कारण मतलब वन ऑफ द फैक्टर कॉजिंग मेल फॉर्मेशन ऑफ मैंगो, तो दोस्तों ये होता है ड्यू टू नेमाटोड्स मतलब सूत्रकृमि के द्वारा, मतलब हिंदी में इसे सूत्रकृमि कहते हैं, अंग्रेजी में नेमाटोड्स कहते हैं, इन्हीं के कारण से ये आम के गुच्छा रोग उत्पन्न होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, ये कह रहा है आम का उत्पत्ति स्थान क्या है, तो दोस्तों इंडिया मतलब ओरिजिन ऑफ मैंगो इज इंडिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं प्रश्न संख्या 3, तो प्रश्न संख्या 3 है कि आम्रपाली एक प्रजाति है, दोस्तों ये प्रजाति है आपकी आम की, ठीक है। इधर देखिए ऑप्शन है ऑप्शन संख्या डी, आम की प्रजाति है मतलब आम्रपाली इज अ वेराइटी ऑफ मैंगो, ओके। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पपाया फ्रूट आर रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग, दोस्तों पपाया रिच होता है विटामिन ई में, मतलब पपीता के फलों में किस विटामिन की अधिकता होती है, तो दोस्तों विटामिन ई की अधिकता ज़्यादा होती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन, कार्बन है कितना परसेंट कास्ट आयरन होता है, तो दोस्तों होता है 2.2 से लेकर 4.3%, मतलब ढालवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है कितना, 2.2 से लेकर 4.3% तक, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि पिस्टन ऑफ एन इंजन इज कनेक्टेड विद द इंजन का पिस्टन किससे कनेक्टेड होता है, कनेक्टिंग रोड से, जिसे हिंदी में कहते हैं संयोजी छड़। अगला प्रश्न है जो हमारा प्रश्न संख्या 7 है, उसमें क्या लिखा है कि हल के खिंचाव को प्रभावित करता है मतलब ड्राफ्ट ऑफ फ्लो इज अफेक्टेड बाय विड्थ ऑफ फ्यूरो, विड्थ ऑफ डेप्थ ऑफ फ्यूरो, सॉइल रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ द अबव, दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 कि विच वन इज कॉल्ड ऑर्चर्ड हैरो, किसको ऑर्चर्ड हैरो कहा जाता है, तो दोस्तों ऑर्चर्ड हैरो कहा जाता है स्पाइक टूथ हैरो को, मतलब स्पाइक टूथ हैरो को ऑर्चर्ड हैरो कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रजा हल, ठीक है, मतलब शेयर ऑफ प्रजा क्लॉग इज मेड अप ऑफ किससे बना होता है, तो कास्ट आयरन से, तो मतलब ढालवा लोहे की बनी होती है ये प्रजा हल, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कि आफ्टर हार्डनिंग द स्टील बिकम्स क्या बन जाता है, मेलिएबल मतलब आघात वर्धनीय, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा तवादार हल मतलब डिस्क प्लो। अगला प्रश्न है कि सीड ड्रिल डज नॉट कंट्रोल, क्या कंट्रोल नहीं कर सकता, डेप्थ ऑफ सीडिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता मतलब बुआई की गहराई को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है आपका कि हाउ मच वाटर इज देयर इन 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, तो दोस्तों ये होता है 100 क्यूबिक मीटर मतलब 100 घन मीटर। अगला प्रश्न है 14वां कि 100 वाट के एक बल्ब के 30 दिन तक 8 घंटे रोज जलने पर कितनी यूनिट विद्युत खर्चा होगी, तो दोस्तों 24 यूनिट मतलब 24 यूनिट बिल मतलब यूनिट अमाउंट मतलब 24 यूनिट उठेगा मतलब उसका बिजली का। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 है कि नहनी बी कॉलोनी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ड्रोन्स किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, फर्टिलाइज्ड एग के द्वारा मतलब निषेचित अंडों से। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 16 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल इंसेक्ट, कौन सा है, तो दोस्तों ये होगा आपका बेडबग मतलब खटमल, सोशल इंसेक्ट होता है, सामाजिक कीट जिसे कहते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न है कि टीनिया टेक फूड थ्रो, टीनिया किससे लेता है, शकर्स के द्वारा लेता है मतलब चूसक द्वारा लेता है फूड को।
अगला प्रश्न है कि सीलिया इज एब्सेंट इन, किसके अंदर एब्सेंट होता है? मोलुस्का के अंदर। किसके मतलब सीलिया को हिंदी में कहते हैं पक्ष माभ, अनुपस्थित किस में होता है? मोलस्का में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 कि मलाफिगियन ट्यूबल्स आर मीट ऑफ मीट फॉर किसके लिए होता है? रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब मालपी की नलिकाएं होती है किसके लिए? जनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20 है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, किसके कारण होता है? विटामिन बी के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 31 कि इन एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज बेनिफिटेड वाइल अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअलिज्म, मतलब सहपकारिता, मतलब दोनों तो इन्वॉल्व होते हैं लेकिन किसी का बेनिफिट या नुकसान नहीं होता है, मतलब एक को बेनिफिट होता है दूसरे को ना ही बेनिफिट होता है ना ही नुकसान होता है, तो उसको क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 22 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेस्ट ऑफ पैडी, पैडी का पेस्ट क्या है? लेप्टोकोराइसा, लेप्टोकोराइजा। ठीक है, लेप्टोकोराइजा धान का नाशक जीव है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 है द बोटेनिकल नेम ऑफ रेड ग्राम इज, मतलब बोटानिकल नेम क्या है रेड ग्राम का, अरहर का, इसका नाम है फेलस मुंगो, मतलब फेलोस मुंगो अरहर का वनस्पतिक नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 वीट प्लांट इज बिलोंग्स टू विच फैमिली, ये दोस्तों बिलोंग करते हैं ग्रैमिनी फैमिली से, मतलब गेहूं का पौधा किस कुल से संबंधित है? तो दोस्तों ग्रैमिनी से संबंधित है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 है कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन थे? थियोफॉस्ट्रस थे। कौन थे? थियोफॉस्ट्रस थे, फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि कोशिका का विद्युत ग्रह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे खूब शेयर करें, लाइक करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आगे के वीडियोज़ में देख लीजिए, आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने और भी प्रश्न लिए हैं, अगले वीडियोज़ में मैं और प्रश्नों के सॉल्यूशंस भी आपको अपलोड करूँगा। दोस्तों अगर आपके तरफ से अगर आप हमें कमेंट करेंगे कि आप हमें डेप्थ कोर्स पढ़ाइए तो हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर डेप्थ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, और आपको टिप्स और ट्रिक्स देंगे कि किस तरह आप कम से कम समय में DDU के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें और एडमिशन ले सकें, और मैं हम लोग समय समय पर DDU के अपडेट्स भी देते रहें। तो दोस्तों इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसे भी ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।